धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद जुबैर को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि पत्रकारों को उनके लिखने, बोलने और ट्वीट आदि करने के लिए जेल नहीं होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया, लोगों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसके खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। दुनिया भर में किसी भी स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति दी जाए किसी खतरे या उत्पीड़न के बिना। गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पेशे से एक पत्रकार हैं, जिन पर साल 2018 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था, जिसके तहत उन्हें सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये बयान तब आया जब यूएन प्रवक्ता दुजारिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पत्रकारों की आजादी और दबाव रहित काम पर जोर देते हुए कहा कि उनके काम में बाधा नहीं आने देनी चाहिए और ना ही उन्हें उनके काम की वजह से जेल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे किसी कमरे समेत दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का आरोप था, जिसके चलते पिछले दिनों उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक हैं, जो एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की IFS यूनिट ने धारा 153 और धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया था। इस संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और मोहम्मद जुबैर के सहयोगी प्रतीक सिन्हा ने एक ट्वीट कर कहा था कि मोहम्मद जुबैर को एक अलग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतीक सिन्हा का आरोप है कि इस संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था, साथ ही उन्होंने FIR की कॉपी भी ना देने का आरोप लगाया। मोहम्मद जुबैर पर यूएन प्रवक्ता की टिप्पणी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट एजेंसी ने सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी को लेकर भी चिंता जाहिर की है, साथ ही उन्हें रिहा करने का भी आह्वान किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।